साथ मिलकर भजन का आगाज करेंगे, प्रार्थना करेंगे, सभी लोग मिलकर बोलेंगे, ईश्वर तुम्हें दया वाला हो, गिरने वाला हो तो बुद्धि
की माता कहती है कि घर को या तो नए ढंग से बना लो या इसे किनारा कर लो, कहीं दूसरी जगह बना लो। कैसा करो? तो संसार में आत्मा जब इस शरीर को छोड़ देती है, उस घटना का नाम मृत्यु है, और ईश्वर की व्यवस्था में जब संयोग होता है, इस शरीर को आत्मा का संयोग मिलता है, तो फिर जीवन क्या? हम सभी को गायत्री मंत्र, सभी शास्त्रों ने, वेदों ने गायत्री मंत्र की प्रशंसा की, सभी पुराणों ने गायत्री मंत्र की प्रशंसा की। स्वयं भगवान राम और भगवान कृष्णचंद्र महाराज ने गायत्री की प्रशंसा की है, उपासना की। कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान श्री विद्यावान जब समाधि से उठे तो माता पार्वती ने कहा, भगवान ये समाधि का राज क्या है? कर के भगवान शिव कहते हैं, देवी ये तो गायत्री मां की कृपा है। जब हम अथर्ववेद के अंदर जाकर के इसको टटोलते हैं तो कस्तुता मया वरदा वेद माता, कस्तुति करने योग्य क्या है? का गायत्री है, का वेदों की मां कौन है? का गायत्री है, का संसार में सभी प्रकार के ऐश्वर्य को कौन देता है? का गायत्री है, का संसार में सभी वरदान कौन लेता है? का वो भी गायत्री। वो सविता मैंने जो प्रेरणा करता है, हम सभी के जीवन में परमात्मा को प्रेरणा करता है, इसलिए उसको सविता देवता है। जब भी हम किसी काम को करते हैं तो अंतःकरण से आवाज आती है, ये करने के काबिल है, कर, और नहीं है तो अंतःकरण आवाज देता है, ये काम गलत है, छोड़ दे। स्वाभाविक हम सभी के जीवन में ऐसी घटना है। तो परमात्मा कैसा है? का सविता नहीं रहता, तो सवितुर वरेण्यम, अगर उस परमात्मा का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, भर्गो देवस्य, उस देवता का भर्ग आशीर्वाद अगर हम चाहते हैं तो क्या करना होगा? तब सवितुर वरेण्यम, उस परमात्मा का वर्ण करना होगा। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? का वर्णीय स्वरूप है, उस परमात्मा को वर्ण करना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए, उसको अपना बनाना चाहिए। जब हम उस परमात्मा को अपना बना लेते हैं तो उस परमात्मा का आशीर्वाद स्वाभाविक है। तो साधारण बात, हम अपने जीवन के अंदर संबद्ध करें, हमें बड़ों का आशीर्वाद तब मिलता है जब हम उनकी सेवा में उपस्थित रहे।
ਸੁਨਵੀ ਮਹੇ ਆਰਿਤ ਵਰਣਮ ਤਵ ਸਮਰਸਤਾ ਤਮੇਵ ਵੇਦ ਪਾਤ ਮੇ ਤੋ ਪਮਿਨਾ ਬਿਤਾਵਸੁ ਪ੍ਰਮਾਤਾ ਸਤ ਕਤੋ ਬਹੁਇਥ ਅਧਾਤੇ ਸੁਨਵੀ ਮਹੇ ਵੇਦ ਹਵਿਤ ਪੁਰਸ਼ ਮਹਿਤਮ ਆਰਿਤ ਵਰਣਮ ਤਵ ਸਮਰਸਤਾ ਕੀ ਆ
सभी लोग मिलकर हमारे साथ भजन गाइए, कीर्तन कीजिए। हम सभी लोग यहाँ पर पूज्य माता स्वामी श्रीमती बिमलारानी की सुख सभा में आए, क्योंकि जगह श्रीमती बिमलारानी गुप्ता जी की सुख सभा में आए हैं। उनके आत्मिक शांति के लिए सदा सुमन अर्पित करने के लिए पाए परमात्मा से अरदास करें, प्रार्थना करें कि भजन के द्वारा, ताकि उनकी आत्मा जहाँ कहीं भी हो, जय श्रीवास्था में हो, जल तलाक्ष हो, परमिता परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, सदगति प्रदान करे। आए मिल करके बड़े श्रद्धा सुपूर्वक हमारे साथ मिलकर भजन का अरदास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, सभी लोग मिलकर बोलेंगे, ईश्वर तुम्हें दया करो, तुम बिन हमारा कौन है, ईश्वर तुम्हें दया करो, तुम बिन हमारा कौन है, दुर्बलता दीनता हारो, तुम बिन Thank you.
भाषा सिखा दी और एक दिन हम बोलने शुरू कर देते। जब पहली बार बोलते हैं तो वही मां है जो तो सभी जगह रिश्तेदारों को बता देती है, आज मेरे बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया। तो हमने शब्द ज्ञान मां से लिया, हमने संस्कार मां से लिए, हमने लोरिया मां से ली, हमने शिक्षा मां से ली, हमने धर्म कर्म की बात मां से सीखी, हमने व्यवहार करना मां से सीखा। का मां के तो बड़े उपकार हैं, संसार में मां के बड़े उपकार हैं। का उन उपकारों को ध्यान में रखते हुए, याद रखते हुए हम मां के अनुकूल ग्रही जीवन भर रहे का ये धर्म का धर्म क्या है का हम अपने बड़ों के हमेशा अनुकूल व्रति रहे। किसी ने पूछा ऐसा होने से हमें क्या मिलेगा, ऐसा होने से हमें सुख मिलता है, मां की सेवा करने से हमें क्या मिलता है, सुख मिलता है, आयु मिलती है, धन ऐश्वर्य मिलता है और हमें बौद्धिक बल मिलता है। बड़ों की सेवा करने से हमें ये मिलता है जिससे हमारा जीवन बढ़िया बन जाता है, सुंदर बन जाता है, जिससे हमें संसार में अपने जीवन के एक उद्देश्य को पूर्ण कर सकते। आए हैं तो जीवन का मुख्य काम तो है, संसार की यात्रा में है तो मंजिल है और मंजिल है तो उस मंजिल को पाना धर्म है। अब मंजिल को पाना धर्म है तो क्या रास्ते का पता होना चाहिए, रास्ते का पता कैसे लगे, तो शास्त्रकारों ने, विद्वानों ने, गुरुओं ने, संत महात्माओं ने हमें उपदेश किया भाई संसार में तुम उस रास्ते का पता तब लगा सकते हो जब तुम सत्संग में आते हो, विद्वानों का संग करते हो। उस मंजिल का पता तब मिलता है जब हम विद्वानों का संग करते हैं, स्वाध्याय और सत्संग करते। तो मंजिल क्या है, तो मंजिल है जैसे ईश्वर के गुणगान सारा संसार करता है, का हम उस ईश्वर को पा जाएं। इच्छा तो सभी की रहती है कि उस ईश्वर के दर्शन हो जाए और ईश्वर को पाया जा सके। का मानव रूपी जीवन में ये काम भी हो सकता है, लेकिन कब होगा का जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ हो, जब हमारा मन रूपी मंदिर ठीक हो जाएगा, साफ सुथरा बन जाएगा, तो उस परमात्मा के दर्शन पाने के हम अधिकारी। इसलिए वेद भगवान ने कहा तन्मे मनः स्थिरं संकल्पमस्तु, तुम
हमारा मन कैसा हो बस शिव संकल्पों वाला होना चाहिए। शिव संकल्प का ध्यान से सभी का कल्याण हो ऐसा संकल्प होना चाहिए जिससे सभी का कल्याण भला हो ऐसा संकल्प मन के अंदर विचार उत्पन्न होना चाहिए। का विचार उत्पन्न ऐसा कब होता है का जब हमारा मन ठीक होता है, खान पान सही होता है तो मन अच्छा होता है और मन अच्छा होता है तो विचार अच्छे होते हैं, विचार अच्छे होते हैं तो संकल्प बढ़िया होता है और संकल्प बढ़िया है तो जीवन शिव नहीं बन जाता। ऐसा कल्याणकारी जीवन 84 लाख योनियों में केवल मानव के पास है। किसी ने पूछा तुमने इस जीवन को कैसे पाया, जब हम स्वाध्याय सत्संग करते हैं सुनते हैं सुनाते हैं गुरु की संगत में आते हैं तो पता चलता है संसार में आत्मा के जब अच्छे बढ़िया उत्तम संस्कार हो जाते हैं तो ईश्वर की व्यवस्था में सबसे बढ़िया सर्वोत्तम मानव रूपी जीवन मिलाकर और कोई रास्ता है नहीं संसार में उस ईश्वर को जानने का मानने का पाने का, एक ही रास्ता है वह है मानव रूपी जीवन। का ऐसा बढ़िया जीवन जिस जीवन में हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं, जिस जीवन में हम बच्चों को अच्छा बनाते हैं, जिस जीवन में हम इस संसार में सेवा का काम करते हैं, जिस जीवन में हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, ईश्वर के नाम के सहारे संसार से तर जाते हैं, ऐसा जीवन तो केवल मानव के पास है। तो हम सभी ने अपने अपने कर्मों के अनुसार इस जीवन को पाया। इसलिए भगवान किशन चंद्र महाराज ने गीता का अमृत में ज्ञान जब दिया तो अर्जुन को बताया संसार में कर्म फल अवश्य वेद भोगने पड़ते हैं और संसार जब हम देखते हैं तो चाहे राजा महाराजा इस संसार में आया, चाहे भगवान आए संसार में, चाहे गुरु आए, चाहे साधारण मानव आया, सतयुग हो त्रेता द्वापर या कलयुग का वातावरण हो, हम आप सभी ने कई बार ऐसी घटनाओं को देखा सुना है। संसार में सभी के जीवन में सुख बिरा और दुख बिरा, कईयों को दुख स्थान छोड़ा और हिंदुस्तान में आए तो सब कुछ छोड़ना ऐसा सभी को पता है। कई परिवार जुड़ गए तो को साथ लेकर के एक नई जगह आना, वहां पर अपना स्थान बनाना, बच्चों को पालना, अच्छी शिक्षा देना, कारोबार को बढ़ाना और फिर समाज में एक विशेष नाम स्थापित करना, इस परिवार का आज शहर में नाम है। इसके पीछे तप आशीर्वाद प्रेरणा तपस्या उस माता की है, माता बिंदारा और पिता अमृतलाल गुप्ता, दोनों ने संघर्ष में जीवन व्यतीत की, खूब मेहनत की और एक बड़ा अच्छा मुकाम हासिल किया जो आज आप सभी के सामने
ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਜੀਵਨ ਕੇ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਛ ਐਸੇ ਕਸ਼ਟ ਸਰੀਰਿਕ ਕਸ਼ਟ ਹਮੇ ਆ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤੇ ਹੈ ਐਸਾ ਕੈਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬੜੀਆ ਥਾ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਂਚ ਸਾਤ ਸਾਲ ਬੜੇ ਕਸ਼ਟੋਂ ਮੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਕੁਛ ਪੀਛੇ ਕੇ ਕਰਮ ਰੂਪੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਕੁਛ ਅਭੀ ਕੇ ਕਰਮ ਰੂਪੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਸੇਸ ਹਮਾਰਾ ਰਹਿ ਜਾਤਾ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਮੇ ਹਮੇ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇ ਅੱਛੇ ਬੜੀਆ ਸੁੰਦਰ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਔਰ ਜਬ ਹਮ ਇਸ ਲੋਕ ਕੋ ਛੋੜੇ ਤੋ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋ। ਆਤਮਾ ਜਬ ਇਸ ਜੀਵਨ ਮੇ ਸਭੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਕਸ਼ਟੋਂ ਕੋ ਸਹਿ ਲੇਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੁੱਖ ਕੋ ਭੋਗ ਲੇਤੀ ਹੈ ਤੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਤੋ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਆਏ ਤੋ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੜਾ ਔਰ ਜੋ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਆਏ ਉਨਕੋ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੜਾ, ਤੋ ਸੰਸਾਰ ਮੇ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੰਸਾਰ ਕਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਹਮਾਰਾ ਬੜੀਆ ਹੈ ਤੋ ਬੜੀਆ ਜੀਵਨ ਹਮ ਜੀ ਕਰਕੇ ਜਾਏ ਇਹ ਅੰਦਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਧਰਮ ਬਤਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਜਹਾਂ ਧਰਮ ਹੈ ਕਾ ਮਾਂ ਪਰ ਸੁਖ ਹੈ, ਸੁਖ ਸੇ ਮੂਲਮ ਧਰਮ ਕਾ ਸੁਖ ਕਾ ਮੂਲ ਕਿਆ ਹੈ ਕਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਭਜਨ ਕਰਨਾ, ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ, ਸਤਸੰਗ ਮੇ ਆਉਣਾ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਾ ਇਹ ਸਭ ਧਰਮ ਕੇ ਕਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਨਵ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇਨ ਕਰਮੋਂ ਕੋ ਕੀਆ ਕਰੇ ਜਿਸਸੇ ਉਸਕਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਬਣੇ। ਯੇ ਜੀਵਨ ਕਿਸਕੇ ਸਹਾਰੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸਕੇ ਸਹਾਰੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਰਹਿਤਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਸਕੇ ਸਹਾਰੇ ਰਹਿਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਿਸਕੇ ਸਹਾਰੇ ਹੈ ਕਾ ਵੋ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਯ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਸੇ ਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੇ ਰੂਪ ਸੇ ਪੁਕਾਰਤੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਯਾਦ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਉਸੀ ਕੇ ਸਹਾਰੇ ਤੋ ਯੇ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਜਬ ਹਮ ਜੀਵਨ ਮੇ ਕਈ ਕਸ਼ਟ ਮੇ ਦੁੱਖ ਮੇ ਗਿਰ ਜਾਤੇ ਹੈ सबसे पहले हमें याद कौन आता है, माँ याद। परिवार में चाहे हम जितने बड़े क्यों ना हो जाए, किसी कष्ट में जुड़ जाए, किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाए, किसी कष्ट में फंस जाए, किसी चिंता में आ जाए, तो सबसे पहले देते माँ आदि माँ ਜਿਸੇ ਹਮ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਜਬ ਹਮੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਤਾ ਹੈ ਤੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾ ਸਹਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਤਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਾਂ ਹੈ ਕਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋ ਤੇਰੀ ਅੰਤਰਾ ਕਰਨ ਕੇ ਲਈ ਮਨ ਕੀ ਆਂਖੋਂ ਕੋ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਆਂਖੇ ਨਜ਼ਰ
अपनी आंखों से उसे देखा जा सकता है, इसलिए मानवीय मंदिर हमारा ठीक होना चाहिए। ये निश्चित है। आए एक भजन पूज्य माता जी के चरणों में समर्पित है। आज हम सभी की शरण में भी आए हैं और ईश्वर को भी दया करो, तुम बिना जब जब हो जाए, उठने वाला हो, गिरने वाला हो, तो
बुद्धि माता कहती है कि घर को या तो नए ढंग से बना लो या इसे किनारा कर लो, कहीं दूसरी जगह बना लो। कैसा करो? तो संसार में आत्मा जब इस शरीर को छोड़ देती है, उस घटना का नाम मृत्यु है, और ईश्वर की व्यवस्था में जब संयोग होता है, इस शरीर को आत्मा का संयोग मिलता है, तो जीवन क्या जिसमें हम चिंतन भी कर सकते हैं और माता पिता की सेवा भी कर सकते हैं, परमात्मा की भक्ति भी कर सकते हैं, भजन भी। पशु पक्षी की योनि में 84 लाख योनियों में जितने भी प्राणी हैं, उसमें कहीं पर भी जो है हम ईश्वर के सकते हैं। वो ईश्वर का है का हमारे अंतःकरण में है। गायत्री मंत्र के उपदेश के अनुसार जब जीवन को जिएंगे तो परमात्मा को पाएंगे। हम सभी को गायत्री मंत्र, सभी शास्त्रों ने, वेदों ने गायत्री मंत्र की प्रशंसा की, सभी पुराणों ने गायत्री मंत्र की प्रशंसा की। स्वयं भगवान राम और भगवान कृष्णचंद्र महाराज ने गायत्री की प्रशंसा की है, उपासना की। कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान श्री विद्यावान जब समाधि से उठे तो माता पार्वती ने कहा, भगवान ये समाधि का राज क्या है? मुस्कुराकर के भगवान शिव कहते हैं, देवी ये तो गायत्री मां की कृपा है। जब हम अथर्ववेद के अंदर जाकर के इसको टटोलते हैं तो कस्तुता मया वरदा वेद माता, कस्तुति करने योग्य क्या है? का गायत्री है, का वेदों की मां कौन है? का गायत्री है, का संसार में सभी प्रकार के ऐश्वर्य को कौन देता है? का गायत्री है, का संसार में सभी वरदान कौन लेता है? का वो भी गायत्री। वो सविता ने जो प्रेरणा करता है, हम सभी के जीवन में परमात्मा को प्रेरणा करता है, इसलिए उसको सविता देवता है। जब भी हम किसी काम को करते हैं तो अंतःकरण से आवाज आती है, ये करने के काबिल है, कर और नहीं है तो अंतःकरण आवाज देता है, ये काम गलत है, छोड़ दे। स्वाभाविक हम सभी के जीवन में ऐसी घटना है। तो परमात्मा कैसा है? का सविता दे देता, तो सवितुर वरेण्यम, अगर उस परमात्मा का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, भर्गो देवस्य, उस देवता का भर्ग आशीर्वाद अगर हम चाहते हैं तो क्या करना होगा? तब सवितुर वरेण्यम, उस परमात्मा का वर्ण करना होगा। परमात्मा का स्वरूप क्या कैसा है? का वर्णीय स्वरूप है, उस परमात्मा को वर्ण करना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए, उसको अपना बनाना चाहिए। जब हम उस परमात्मा को अपना बना लेते हैं तो उस परमात्मा का आशीर्वाद स्वाभाविक है। तो साधारण बात, हम अपने जीवन के अंदर स्पष्ट करें, हमें बड़ों का आशीर्वाद तब मिलता है जब हम उनकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। परमात्मा को जब हम अपना बना लेते हैं तो परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है, और आशीर्वाद मिल गया तो जियो जो नाम है, तो दिया हमारा मन
और कुछ नहीं कार्य प्रभु तेरी बुद्धि सुधर जाए। जिसकी बुद्धि सुधर गई उसका जीवन, और जिसका जीवन सुधर गया उसका आना सफल हो गया संसार में, और जिसका आना सफल संसार में हो गया उसका जाना भी सफल हो जाएगा, क्योंकि जाना तो है वही। जिनका सात्विक सुंदर जीवन था अंत के समय में 4-6 सालों तक अस्वस्थ रही शारीरिक रूप से, बच्चों ने खूब सेवा की, मां को संभाला, लेकिन एक दिन इस संसार से जाना है। जितने सांस मिले हैं उतने भुगतने हैं, जितनी आयु मिली है उतनी पूरी करनी है, और इधर संसार से जाना है। ये अपनी फुलवाड़ी को अपने जीवन के अंदर बड़ा सात्विक, बड़ा सुंदर, बड़ा धार्मिक बनाए। आज समाज में परिवार का विशेष नाम है, स्थान है, कारोबार है, इज्जत है, मान है। फुलवाड़ी बच्चों से माता और पिता का ऋण है और वो चुकाना पड़ता है। मां चली गई, पिताजी चले गए, का उनके बनाए आदर्श को जीवन में हमेशा रहे, उनकी प्रेरणा हमेशा जीवन में रहे, उनके दिए हुए संस्कार हमेशा जीवन में रहे। परिवार का धर्म है कि जो अपने बड़ों से हमने सीखा है वो अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार दे, शिक्षा दे, ताकि वो भी मातृपितृ संत। मैं आशा रखूंगा समस्त कुर्बानी से बच्चों से इतिहास की वो बात कहते हुए, यक्ष महाराज ने धर्मराज ईश्वर से कहा भी ये पृथ्वी माँ है, इससे बड़ा भी कोई है, बड़ी विशाल है, देश देशांतर बसते हैं, सभी को वास देती है, जीवन देती है, लेकिन फिर भी एक मां संसार में है जिसको देखता हूं भारी पड़ जाती है। पृथ्वी मां के ऊपर का कौन है, कहा तेरी मां है। बच्चों के लिए, परिवार के लिए मां इतनी महान है। आशा रखूंगा मैं समस्त फुलवाड़ी बच्चों से चिरंजीव सुख 20-40 से, और बड़ी पुत्रवधू बिना कुमारी चिरंजीव पौत्र आशु गुप्ता जी और शिवानी जी, रोहित गुप्ता जी, अनु जी, पौत्रिया शैली जी, अमरीश महाजन जी, शिखा जी, जैनी महाजन जी, शिल्पी जी, लोकेश जी, मधुसूदन खन्ना जी, और पोत्रे किसान वैभव सायना और अर्शिव। मैं समस्त फुलवाड़ी से गुप्ता परिवार के सभी बच्चों से
आशा रखूंगा जो कुछ आदर्श माँ ने बनाए सभी बच्चे उनके पद चिन्हों पर हमेशा चलेंगे, उनके सपनों को साकार करेंगे, उनके अधूरे कार्य को मिलकर के पूर्ण करेंगे। धार्मिक संस्थानों के साथ जुड़े रहेंगे, सामाजिक संगठनों के साथ जुड़े रहेंगे, अपने कारोबार में जो यश और कीर्ति नाम कमाया है उसे आगे बढ़ाते रहेंगे, पिता की कीर्ति को आगे बढ़ाएंगे। ईश्वर समस्त फुलवाड़ी को दीर्घायु वाला बनाए और स्वस्थ रखे। हमारे शहर के जाने माने पंजाब ने विशेष नाम कमाने में जो